हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने देखा था 7.5 पार्ट वन। उसके अंदर थी दो मेथड्स, एक थी मोना मेथड और दूसरी थी लीनियर अपॉन लीनियर फॉर्म्स। तो आज हम लेंगे टाइप थ्री एंड टाइप फोर। टाइप थ्री इंटीग्रेशन, सपोज यहाँ पे ए एक्स प्लस बी डी एक्स अपॉन सी एक्स स्क्वायर प्लस डी इंटू ई एक्स प्लस एफ फॉर्म। टाइप फोर इंटीग्रेशन ऑफ ए एक्स प्लस बी डी एक्स अपॉन सी एक्स प्लस डी होल स्क्वायर इंटू सपोज ई एक्स प्लस एफ। तो यहाँ पे सी एक्स स्क्वायर प्लस डी है और यहाँ पे सी एक्स प्लस डी होल स्क्वायर है। इसकी वजह यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि इंटीग्रेशन फॉर एग्जांपल सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस पी भी हो सकता है इसकी जगह पे, और इनटू ये तो ऑलरेडी जैसा है वैसा भी रहेगा यहाँ पे। तो ये आज हम दो टाइप थ्री एंड टाइप फोर हम देखेंगे, क्लियर। सो चलो एग्जांपल लेते हैं हम। इंटीग्रेशन एक्स प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू एक्स माइनस टू डी एक्स। तो यहाँ पे एक्स प्लस वन है इंटू एक्स माइनस टू एंड एक्स स्क्वायर प्लस वन है। तो ये देखो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी जैसा फॉर्म है। तो इसके लिए क्या करते हैं हम, इसके लिए हम पार्शियल फ्रैक्शन में क्या लेते हैं वो देखते हैं पहले। तो इंटीग्रेशन निकाल दो, लास्ट टाइम जैसा दिखा था वैसा हमने। एक्स प्लस वन एक्स स्क्वायर प्लस वन एक्स माइनस टू इक्वल टू ए अपॉन हमेशा क्या रहेगा, लीनियर। लास्ट टाइम था वैसा ही, लीनियर पार्ट हमेशा ए अपॉन रहेगा। और यहाँ पे लेंगे हम बी एक्स प्लस सी अपॉन क्वाड्रेटिक फॉर्म। क्या लेंगे यहाँ पे, बी एक्स प्लस सी अपॉन क्वाड्रेटिक फॉर्म, ये हमारे लिए यहाँ पे नया है। तो टाइप थ्री के अंदर क्या होगा, ए एक्स प्लस बी अपॉन यहाँ पे सी एक्स स्क्वायर प्लस डी इंटू यहाँ पे ई एक्स प्लस एफ है। तो इसका मतलब होगा ए अपॉन ई एक्स प्लस एफ प्लस बी एक्स प्लस सी अपॉन क्वाड्रेटिक फॉर्म सी एक्स स्क्वायर प्लस डी। टाइप थ्री में पार्शियल फ्रैक्शन हम ऐसे करेंगे, ओके। तो अब क्या करेंगे यहाँ पे, पहले एलसीएम ले लो। तो ए इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन बी एक्स प्लस सी इंटू एक्स माइनस टू डिवाइडिंग बाय एक्स माइनस टू इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन, और यहाँ पे एक्स प्लस वन अपॉन एक्स माइनस टू इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन। सो फाइनली एक्स प्लस वन इक्वल टू, ओपन दी ब्रैकेट यहाँ पे खोल दो, ये होगा ए एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस क्या होगा यहाँ पे बी एक्स स्क्वायर माइनस टू बी एक्स प्लस सी एक्स माइनस टू सी। सो नाउ कलेक्टिंग लाइक टर्म्स, मतलब जो टर्म हमें लगते हैं कि एक जैसे है वो लिखेंगे, साथ में लिखेंगे। तो जैसे यहाँ पे ए प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस, इसके बाद लेंगे एक्स जहाँ पे वो टर्म्स, तो एक्स इंटू सी माइनस टू बी और प्लस जितने बच्चे कांस्टेंट कितने बच्चे यहाँ पे, तो एक ए और एक यहाँ माइनस टू सी। तो ये हो गया यहाँ पे ए माइनस टू सी इक्वल टू, सामने क्या यहाँ पे एक्स प्लस वन है, मतलब ये दोनों इक्वल है। सो वी कैन राइट एज ज़ीरो एक्स स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे दोनों इक्वल ही है। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड ऑलरेडी मेरे पास यहाँ पे है। तो हम क्या करेंगे, इसके जो ऑर्डर है उसके हिसाब से सामने सेट करेंगे। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर मेरे पास नहीं है, तो हम लेंगे यहाँ पे ज़ीरो एक्स स्क्वायर, क्लियर। नाउ कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट्स, तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट यहाँ पे ए प्लस बी और यहाँ पे ज़ीरो, तो क्या होगा ए प्लस बी इक्वल टू हो गया ज़ीरो। सिमिलरली दूसरा केस यहाँ पे सी माइनस टू बी, वो किसका कोएफिशिएंट है, एक्स का,
तो यहाँ पे x का कोएफिशिएंट क्या होगा, 1, कुछ नहीं है मतलब 1, क्लियर। आप समझो यहाँ पे x है मतलब इसको बोलते हैं 1x, तो 1 इक्वल टू ये हो गया। और तीसरा होगा यहाँ पे कॉन्स्टेंट टर्म, तो कंपेयरिंग कॉन्स्टेंट टर्म इक्वल टू कॉन्स्टेंट टर्म, सो a माइनस 2c इक्वल टू 1। तो हमें तीनों इक्वेशन को अब करना है सॉल्व साइमल्टेनियसली, तो हमें इसको सॉल्व करना है, तो कैसे करेंगे, तो एक काम करते हैं, यहाँ से a इक्वल टू क्या होगा, माइनस b होगा, a इक्वल टू माइनस बी डाल दो यहाँ पे इसके अंदर, क्लियर। तो मैं इसको डालता हूँ यहाँ पे, तो मुझे क्या मिलेगा, देखो माइनस बी माइनस टू सी इक्वल टू 1, और ऑलरेडी मेरे पास यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मेरे पास माइनस टू बी प्लस सी इक्वल टू 1 है। तो हम किसी भी तरह इसको सॉल्व कर देंगे, ये दो इक्वेशन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करते हैं यहाँ पे दोनों इक्वेशन को, तो दोनों इक्वेशन सॉल्व करते हैं, माइनस टू बी प्लस सी इक्वल टू 1, माइनस बी माइनस टू सी इक्वल टू 1। इसको मैं काम करता हूँ, मल्टीप्लाई कर देता हूँ यहाँ पे 2 से, इसको बी वाले पार्ट को, तो ये क्या हो जाएगा, ये इक्वेशन हो जाएगा यहाँ पे मेरे पास माइनस टू बी माइनस फोर सी इक्वल टू 2। ऑलरेडी ये इक्वेशन मेरे पास यहाँ पे है, माइनस टू बी प्लस सी इक्वल टू 1, साइन चेंज कर दो, टू बी कैंसल, माइनस फोर सी माइनस सी माइनस फाइव सी माइनस फाइव सी इक्वल टू 1। तो सी का वैल्यू मुझे मिल गया माइनस 1/5, सो सी इक्वल टू माइनस 1/5 मिला, यहाँ तक क्लियर। अब सी मिल गया, तो सी डाल दो यहाँ पे किसी एक में, तो मिलेगा हमें बी, और बी से ए मिल जाएगा, क्लियर। तो अब क्या करते, किसी एक में डाल दो इक्वेशन में, तो सी डालते हैं यहाँ पे, नाउ पुटिंग सी हियर, सो माइनस टू बी सी की वैल्यू माइनस 1/5 इक्वल टू 1, इसको सामने ले जाओ, सो माइनस टू बी इक्वल टू 1 + 1/5, 1 + 1/5, 5 + 5 + 1 = 6, 6/5, तो यहाँ पे मुझे भी मिल जाएगा 6/5 अपॉन माइनस 2 माइनस 3/5, क्लियर। तो यहाँ से मुझे मिल गया b, और एक काम बाकी है, सिर्फ लास्ट a फाइंड करना है, तो a इक्वल टू क्या है, a इक्वल टू माइनस बी है, देयरफॉर a इक्वल टू b का अपोजिट, तो ये हो जाएगा 3/5। तो हमें तीनों a b c मिल गए, अंडरस्टूड, ओके। सो नाउ सॉल्विंग द इक्वेशन, तो अब हम सॉल्व करेंगे इंटीग्रेशन को, सो इंटीग्रेशन x + 1 दिस इक्वल टू दिस, तो क्या होगा मेरा इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन I इक्वल टू a अपॉन x माइनस टू डी एक्स प्लस बी एक्स अपॉन x² + 1 dx प्लस सी अपॉन x² + 1 dx, क्लियर। ये रहा हमारा इंटीग्रेशन, सो नाउ पुटिंग द वैल्यूज, a की वैल्यू 3/5 रख दो यहाँ पे, सो 3/5 1 अपॉन x माइनस टू डी एक्स प्लस बी एक्स की वैल्यू b माइनस 3/5 माइनस 3/5 अपॉन x² + 1 dx और प्लस c का वैल्यू -1/5 -1/5 अपॉन x² + 1 dx। सो इसका इंटीग्रेशन करो, 3/5 ये हो जाएगा हमारा सीधा dx अपॉन x माइनस 2 है, सीधा हो जाएगा ये, यहाँ से कॉमन निकाल दो -3/5, इसको बाहर निकाल दो, -3/5 x है, तो ये यहाँ पे x अपॉन x² + 1 dx और ये हो जाएगा -1/5 dx अपॉन x² + 1, क्लियर। इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, सबको पता है x² + 1 को ले लो t, तो क्या होगा 2x dx = dt हो गया, सो x dx की वैल्यू हो गई dt/2, बराबर x dx का वैल्यू हो गया dt/2। तो इसको डाल देंगे हम यहाँ पे वापस, सो हमें इंटीग्रेशन फाइंड करना होता है, ऐसे मिलेगा -3/5 इंटीग्रेशन dx अपॉन x - 2 -3/5 x dx का वैल्यू 1/2 dt / t,
और माइनस 1 बाय 5 dx अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 आ गया आंसर माइनस 3 बाय 5 log mod x माइनस 2 माइनस 3 बाय 10 1 अपॉन t log mod t और माइनस 1 बाय 5 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर फॉर्मूला क्या थी 1 बाय a tan इनवर्स x बाय a प्लस c। तो हमारा फाइनल आंसर आ गया अब यहाँ पे माइनस 3 बाय 5 log x माइनस 2 माइनस 3 बाय 10 log t का वैल्यू x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 बाय 5 tan इनवर्स x प्लस c। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। अंडरस्टूड? ओके, सो राइट डाउन और इसके बाद आप टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस कर सकते हो। टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन नंबर 7th, बुक का क्वेश्चन नंबर 7th ट्राई कर सकते हो। और लास्ट टाइम जो हमने क्वेश्चंस किए थे 10th 11th वो भी आप ये मेथड से कर सकते हो। अंडरस्टूड? राइट डाउन और इसके बाद 7th करो, वीडियो पॉज कर दो यहाँ पे, 7th ट्राई करो और उसके बाद सॉल्यूशन देखो जो मैंने यहाँ पे किया है वो। क्वेश्चन नंबर 7th, x अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 इंटू x माइनस 1। 7th ट्राई करते हैं, x dx अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 इंटू x माइनस 1, लीनियर अपॉन लीनियर इंटू क्वाड्रेटिक फॉर्म। सो पार्शियल फ्रैक्शन क्या होगा इसका, x इंटू x माइनस 1 x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू a अपॉन x माइनस 1 बी एक्स प्लस सी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। एलसीएम ले लो तो अदरवाइज इसको ऐसा सोचो, इसको यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो वो जाएगा यहाँ पे a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 और बी एक्स प्लस सी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। नाउ ओपन दी ब्रैकेट, ए एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू, ओके यहाँ मिस्टेक है मेरी, x माइनस 1 बी एक्स इंटू एक्स बी एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी एक्स माइनस सी। कलेक्टिंग लाइक टर्म्स, लाइक टर्म्स को कलेक्ट करो, जो जो टर्म हमें लगते हैं कि एक जैसे है उसको साथ में लेंगे। जैसे यहाँ पे ये तो होगा ए प्लस बी एक्स स्क्वायर, फिर x कॉमन निकालो ये दो टर्म c माइनस बी और क्या बचा लास्ट टर्म a माइनस सी इक्वल टू। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर एक्स कॉन्स्टेंट फॉर्म हमें मेरे पास यहाँ पे है तो मुझे यहाँ भी वो सेट करना पड़ेगा। तो ये देखो क्या होगा, जीरो एक्स स्क्वायर प्लस वन एक्स प्लस जीरो हो गया। सो नाउ कंपेयरिंग द कोफिशंट्स, जीरो इक्वल टू ए प्लस बी, वन इक्वल टू सी माइनस बी एंड जीरो इक्वल टू ए माइनस सी। कंपेयर द कोफिशंट्स, सो जीरो इक्वल टू हो गया ए प्लस बी, फिर 1 इक्वल टू सी माइनस बी हो गया और 0 इक्वल टू ए माइनस सी हो गया। तो यहाँ से पहले क्या मिलेगा, ए इक्वल टू सी, ईजीएस्ट फॉर्म हो गया मेरा ए इक्वल टू सी। क्लियर? डाल दो यहाँ पे, चलो यहाँ डाल देते हैं तो 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा ए माइनस बी और इन दोनों को सॉल्व कर दो तो यहाँ से क्या मिलेगा मुझे, ए इक्वल टू मिलेगा माइनस बी, फ्रॉम हियर ए इक्वल टू माइनस बी, इसको डाल दो यहाँ पे तो 1 इक्वल टू माइनस बी मतलब माइनस टू बी इक्वल टू 1, माइनस टू बी इक्वल टू 1, सो बी इक्वल टू माइनस हाफ, बी मिल गया माइनस हाफ तो आपको मिल जाएगा अब ए, तो ए हो जाएगा प्लस हाफ। अंडरस्टूड? बी मिल गया उसके ऊपर से हमें ए मिला, ए मिल गया तो सी मिल जाएगा क्योंकि ए इक्वल टू सी है, सो ए इक्वल टू हाफ और उसके इक्वल टू सी है तो सी का वैल्यू मिल गया मुझे वन हाफ, तो वन हाफ वन हाफ एंड माइनस वन बाय टू। बस अब तो इंटीग्रेशन ख़त्म, इंटीग्रेशन आई इक्वल टू ए अपॉन एक्स माइनस वन डी एक्स प्लस बी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन डी एक्स प्लस सी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन डी एक्स। सो यहाँ पे ए की वैल्यू वन बाय टू डी एक्स अपॉन
x माइनस वन प्लस b का वैल्यू माइनस हाफ, सो माइनस हाफ हो जाएगा यहाँ पे, माइनस हाफ x dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन, और प्लस c का वैल्यू था हाफ dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन। ये इंटीग्रेशन, ये वाला पार्ट बहुत बार आएगा, x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन, क्लियर। तो अभी हमने देखा आगे, इसको सपोज कर लेंगे t, तो इसका आंसर क्या आएगा, dt अपॉन t हो जाएगा, क्लियर। सो हम यहाँ पे सीधा लिखेंगे अब इसको, तो it is equal to half of log mod x minus 1 minus half of, और यहाँ पे क्या होगा, into 1 by 2 log mod x square plus 1 होगा, क्यों, ये पीछे वाले सब में किया हमने, प्रीवियस क्वेश्चन में कर दिया, वही है, सपोज कर लो t, और आपका आंसर ये आएगा, और प्लस हाफ ऑफ, ये भी कर दिया हमने, tan इनवर्स x आगे वाले सब में, tan इनवर्स x प्लस c, तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। और एक ध्यान रखो, अभी हम ऐसा भी कर सकते हैं हर बार, आप समझो ये वाला फॉर्म है, मैं इसको ऐसे लिखता हूँ यहाँ पे, x dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन, एक शॉर्टकट मैथड है, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय टू कर दो, 2x dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन, अगर इसका डेरिवेटिव ऊपर है, मतलब नीचे का डेरिवेटिव ऊपर होगा, तो ये फॉर्म क्या हो गया, dt अपॉन t हो गया, तो इसको हम लिखेंगे, इसे डायरेक्टली लिख सकते हैं, विच इज़ इक्वल टू हाफ ऑफ log mod x स्क्वायर प्लस वन, क्लियर। अगर नीचे का डेरिवेटिव ऊपर है तो हम सीधा इसको लिख सकते हैं, मतलब अभी ये होगी हमारी फॉर्मूला, कौन सी वाली, ऐसी, इंटीग्रेशन एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स डी एक्स, अगर नीचे का डेरिवेटिव ऊपर है तो इसका आंसर होगा log mod एफ एक्स प्लस सी, तो ऐसा फॉर्मूला इसको याद रखो, ये MCQ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी प्रूफ आपको बताए, फॉर एग्जाम्पल इंटीग्रेशन ऑफ कॉटेक्स देख लो, इंटीग्रेशन ऑफ कॉटेक्स का मतलब क्या होता है, कॉस अपॉन साइन, आंसर क्या आएगा, लॉग मोड साइन, क्लियर, ओके, राइट डाउन। तो टाइप 3 के क्वेश्चंस कौन से थे, बुक के अंदर देखिए, वैसे अभी टेक्स्ट बुक के अंदर तो मेरे पास ऐसे तीन समय, 7, 10, 11, पर 10, 11 हम कर सकते हैं प्रीवियस मेथड से, इससे भी कर सकते हैं, प्रीवियस मेथड ज़्यादा इजी होगा, क्लियर, क्योंकि 10th 11th दोनों में फैक्टराइज हो रहा है, तो a अपॉन लीनियर, b अपॉन लीनियर, c अपॉन लीनियर हो गया, तो अभी ऐसा एक ही क्वेश्चन था, इसके अंदर देखिए तो 7th क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9th हो सकता है, एक्स स्क्वायर कॉमन माइनस वन, नहीं 9th अलग मेथड का है, हाँ, तो यहाँ तक हो गया अभी हमारा, टाइप 3 ख़त्म हो गया, अब लेते हैं टाइप 4, चलो टाइप 4 की बात करते हैं, टाइप 4 में कैसा हो सकता है फॉर्म, जैसे 1dx अपॉन x माइनस ए होल स्क्वायर x माइनस बी, दूसरा फॉर्म लूँ मैं यहाँ पे कि px प्लस qdx अपॉन ax प्लस बी होल स्क्वायर इंटू cx प्लस डी हो सकता है, अदरवाइज मैं ऐसा लूँ यहाँ पे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस cdx होल डिवाइड बाय सी एक्स प्लस डी होल स्क्वायर इंटू ई एक्स प्लस एफ, तो सब में एक चीज़ कॉमन है, नोटिस करो नीचे, एक्स माइनस सी होल स्क्वायर ए एक्स प्लस बी होल स्क्वायर सी एक्स प्लस डी होल स्क्वायर, मतलब परफेक्ट स्क्वायर इंटू लीनियर फॉर्म, परफेक्ट स्क्वायर इंटू लीनियर फॉर्म, ऐसा फॉर्म यहाँ पे है। अगर इसकी जगह पे ऐसा कुछ होता, सपोज यहाँ पे मेरे पास अच्छा ऐसा है कि ई एक्स स्क्वायर प्लस एफ होता, तो परफेक्ट स्क्वायर इंटू ई एक्स स्क्वायर प्लस एफ है, ये दो बार है, तीन बार भी हो सकता है, चार बार भी हो सकता है, पर हमारे सिलेबस में दो या मैक्सिमम 3 टाइम्स होता है, ज़्यादा नहीं होता है, तो दो बार है, तो इसको हम कैसे लेते हैं, इसको लेते हैं हम पार्शियल फ्रैक्शन, फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ, कॉमन फॉर्म में लिखता हूँ इसका, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी अपॉन सी एक्स प्लस डी होल स्क्वायर इंटू ई एक्स प्लस एफ इक्वल टू ए अपॉन सी एक्स प्लस डी, बहुत सिंपल है यहाँ पे, प्लस बी अपॉन
सी एक्स प्लस डी होल स्क्वायर और सी अपॉन लेंगे ई एक्स प्लस एफ। कुछ समझे आप? ध्यान रखो बहुत सिंपल है। यहाँ पे कितनी पावर है? यहाँ पे पावर मेरे पास दो है, दो पावर, तो मतलब इसके दो पार्ट करेंगे, वन पावर एंड टू पावर। देखो ये वन पावर और यहाँ पे टू पावर। अगर यहाँ पे मेरे पास क्यूब होता, अगर यहाँ पे मेरे पास क्या होता, क्यूब होता, तो हम तीन पार्ट करते। अगर मेरे पास यहाँ पे इसकी जगह पे क्यूब है, फॉर एग्जांपल सी एक्स प्लस डी होल क्यूब है, तो हम तीन पार्ट करते। फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पे ए अपॉन सी एक्स प्लस डी, बी अपॉन सी एक्स प्लस डी होल स्क्वायर, सी अपॉन सी एक्स प्लस डी होल क्यूब एंड प्लस डी अपॉन लेते यहाँ पे ई एक्स प्लस एफ। अगर यहाँ पे क्यूब होता तो हम ऐसा करते। ओके तो ऐसा एग्जांपल लेते, हम सॉल्व करते कोई भी एक सम। टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन नंबर 8th, चलो टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन नंबर 8th करते हैं। इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स अपॉन एक्स माइनस वन होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस टू। देखो नीचे होल स्क्वायर एंड एक्स प्लस टू है, तो ये हो गया हमारा पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म, कौन सा टाइप? 4। एक्स एक्स माइनस वन होल स्क्वायर एक्स प्लस टू इक्वल टू ए अपॉन एक्स माइनस वन वन पावर, बी अपॉन एक्स माइनस वन स्क्वायर टू पावर, यहाँ टू है तो इसके दो पार्ट हो गए, और सी अपॉन एक्स प्लस टू। यहाँ पे एलसीएम ले लो, मतलब क्या करेंगे, सिंपल सा मतलब क्या, इसको सामने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये इजीएस्ट वे है। तो x इक्वल टू क्या होगा, a इंटू इसको मल्टीप्लाई करो यहाँ पे, तो x माइनस वन एक्स प्लस टू बचेगा, b इंटू मल्टीप्लाई करो तो क्या बचेगा, x प्लस टू, और c इंटू एक्स माइनस वन द होल स्क्वायर बचेगा। सो x इक्वल टू, नाउ ओपन द ब्रैकेट, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू बी एक्स प्लस टू बी और प्लस सी इंटू एक्स स्क्वायर माइनस टू सी एक्स प्लस वन। अब सिंपल अभी करते थे वैसे, कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट्स, उससे पहले कलेक्टिंग लाइक टर्म्स, तो जहाँ जहाँ पे एक्स स्क्वायर है वो साथ में लेंगे, सो ए प्लस सी एक्स स्क्वायर। फिर एक्स कहाँ पे आएगा, ए एक्स का ए, बी एक्स का बी और माइनस टू सी, सॉरी यहाँ पे सी नहीं आएगा, माइनस टू सी, और लास्ट बचा कांस्टेंट टर्म, तो ये होगा यहाँ पे माइनस टू है, माइनस टू है, फिर प्लस टू बी, एक जगह यहाँ पे नहीं होगी शायद, प्लस टू बी और ये प्लस सी, तो ये मिल गया मुझे एक कांस्टेंट टर्म। तो यहाँ पे सामने मेरे पास वो फॉर्म होना चाहिए, जीरो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस जीरो हो गया। सो नाउ कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट्स, बहुत इजी हो गया अब। सो जीरो इक्वल टू ए प्लस सी, वन इक्वल टू ए प्लस बी माइनस टू सी, एंड जीरो इक्वल टू माइनस टू ए प्लस टू बी प्लस सी। सॉल्व कर दो तो कैसे करेंगे, तो ए इक्वल टू यहाँ से होगा माइनस सी, इसका मतलब बाकी दो इक्वेशन ले आओ कोई भी दो के अंदर, ए बी के अंदर या बी सी के अंदर, ऐसा लेके आएंगे, तो रिप्लेसिंग ए बाय माइनस सी, जहाँ जहाँ भी ए है वहाँ रखेंगे माइनस सी। तो इसका मतलब इक्वेशन मुझे मिल गया वन इक्वल टू बी माइनस थ्री सी, ए डाल दो यहाँ पे, तो जीरो इक्वल टू रिप्लेसिंग ए बाय माइनस सी, सो टू सी प्लस टू बी प्लस सी, सो यहाँ से मिलेगा हमें टू बी प्लस थ्री सी इक्वल टू टू बी प्लस थ्री सी इक्वल टू जीरो। इन दोनों को हमें सॉल्व करना है, इन दोनों को हमें सॉल्व करना है, तो एलिमिनेशन करो, अदरवाइज डाल दो बी का वैल्यू यहाँ पे तो भी हो जाएगा, या कंपेयर थ्री सी थ्री सी, वो ज़्यादा ईजी होगा। ओके तो काम करते, चलो यहाँ से डालते थ्री सी का वैल्यू यहाँ पे, सो वन इक्वल टू बी माइनस थ्री सी का वैल्यू क्या होगा, यहाँ से थ्री सी इक्वल टू क्या होगा, माइनस टू बी,
डाल दो यहाँ पे, माइनस माइनस प्लस, सो वन इक्वल टू थ्री बी, तो बी मिला मुझे वन थर्ड, बी मिल गया मुझे वन थर्ड, उसको डाल दो वापस यहाँ पे, तो सी क्या मिलेगा, माइनस टू बाई थ्री इंटू बी का वैल्यू, तो बी का वैल्यू भी यहाँ पे वन थर्ड है, तो सी मिल गया मुझे माइनस टू बाई नाइन, सी मिल गया माइनस टू बाई नाइन, और सी डाल दो यहाँ पे, तो ए इक्वल टू माइनस सी है, सो ए हो गया टू बाय नाइन। यहाँ तक क्लियर, लिख लो पहले और इसके बाद हम करते हैं इंटीग्रेशन। चलो आई इक्वल टू ए अपॉन एक्स माइनस वन डी एक्स, बी अपॉन एक्स माइनस वन होल स्क्वायर डी एक्स, एंड सी अपॉन एक्स प्लस टू डी एक्स। वैल्यू ऑफ ए टू बाई नाइन, टू बाई नाइन डी एक्स अपॉन एक्स माइनस वन। वैल्यू ऑफ बी वन बाई थ्री, वन बाई थ्री, मैं इसको लिखता हूँ यहाँ पे एक्स माइनस वन रेस टू माइनस टू डी एक्स। और वैल्यू ऑफ सी माइनस टू बाई नाइन, माइनस टू बाई नाइन डी एक्स अपॉन एक्स प्लस टू, ये वन अपॉन है मतलब माइनस हो गया पावर में, बस। तो आ गया आंसर टू बाई नाइन, इसका इंटीग्रेशन करो लॉग मोड एक्स माइनस वन, एक्स रेस टू एन का इंटीग्रेशन, एक्स रेस टू एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, और माइनस टू बाई नाइन लॉग मोड एक्स प्लस टू प्लस सी। तो फाइनल आंसर हो गया मेरा टू बाई नाइन। ऐसा कर सकते हैं, करना हो तो टू बाई नाइन, टू बाई नाइन कॉमन निकाल दो, लॉग एक्स माइनस लॉग वाई, तो हो जाएगा लॉग एक्स बाय वाई, जो फॉर्मूला है वैसे करते हैं, और ये हो जाएगा माइनस वन थर्ड, इसको ले लो वन अपॉन माइनस पावर मतलब वन अपॉन एक्स माइनस वन प्लस सी। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर, ये हो गया हमारा फाइनल आंसर, क्लियर, राइट डाउन। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर लेते हैं नाइन्थ, 3x प्लस 5 अपॉन एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन डी एक्स। पहले हम देखते हैं इसको सिंप्लीफाई करके फैक्टराइज करो तो क्या निकलता है, एक्स स्क्वायर एक्स माइनस वन प्लस वन कॉमन एक्स माइनस वन, प्लस सही नहीं, अच्छा दोनों माइनस है, सॉरी दोनों माइनस है क्वेश्चन में, तो यहाँ से कॉमन निकालो माइनस वन और ये प्लस है, तो ये हो जाएगा यहाँ पे माइनस वन इंटू एक्स माइनस वन डी एक्स। सो फाइनल हो गया 3x प्लस 5 अपॉन एक्स माइनस वन इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वन। मैक्सिमम फैक्टराइज करो तो ये क्या होगा, एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन, सो 3x प्लस 5 अपॉन एक्स माइनस वन होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस वन डी एक्स, क्लियर। तो अभी आप इसको सेम एज क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 ट्राई करो, इसको वीडियो पॉज कर दो और इसको क्वेश्चन नंबर 8 की तरह ट्राई करो। देखो क्वेश्चन नंबर 8 में ऐसा ही था, एक्स अपॉन एक्स माइनस वन होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस टू था, बराबर। तो आप सोचो पहले क्या करना है, उसके बाद सॉल्यूशन देखो। चलो सो 3x प्लस 5 अपॉन एक्स माइनस वन होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस वन इक्वल टू ए अपॉन एक्स माइनस वन बी अपॉन एक्स माइनस वन होल स्क्वायर और सी अपॉन एक्स प्लस वन। इसको यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, सो ए इंटू एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन, बी इंटू सिर्फ एक्स प्लस वन और सी इंटू एक्स माइनस वन होल स्क्वायर।
So which is equal to a into x square minus 1 plus bx plus b plus bx plus b और प्लस इसको ओपन कर दो सी एक्स स्क्वायर माइनस टू सी एक्स प्लस सी हो गया और यहाँ पे हमारे पास थ्री एक्स प्लस फाइव है तो ये क्या लिखेंगे हम जीरो एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस फाइव इक्वल टू कलेक्टिंग लाइक टर्म्स तो देखो एक्स स्क्वायर कहाँ कहाँ पे है उसके बाद एक्स देखो एक्स कहाँ कहाँ पे आएगा तो एक बी के अंदर आएगा और एक यहाँ पे माइनस टू सी में होगा बराबर एक बी के अंदर और एक माइनस टू सी में और कांस्टेंट माइनस ए फिर प्लस बी और प्लस सी यहाँ तक क्लियर हो गया। अब क्या करेंगे अब तो बहुत सिंपल है कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट्स सो जीरो इक्वल टू ए प्लस सी थ्री इक्वल टू बी माइनस टू सी और फाइव इक्वल टू माइनस ए प्लस बी प्लस सी ये हो गया हमारा फाइव का वैल्यू। सो बस सॉल्व कर दो ए इक्वल टू माइनस सी डाल दो यहाँ पे ए इक्वल टू माइनस सी जब फाइव इक्वल टू सी प्लस बी प्लस सी इसको डाल दो यहाँ पे तो हमें मिलेगा 2c प्लस बी इक्वल टू फाइव तो इक्वेशन मिल गया हमें ये दूसरा इक्वेशन ही है इसको इसको सॉल्व कर दो यहाँ पे तो क्या होगा मेरे पास 5 इक्वल टू बी प्लस टू सी ये सिंपल बहुत सिंपल हो गया इसको ऐड कर दोनों को ऐड कर दिया मैंने तो ये हो जाएगा यहाँ पे 2b और 2b इक्वल टू 8 b इक्वल टू हो गया 4 b मिल गया मुझे 4 b डाल दो यहाँ पे भी डाल देंगे यहाँ पे तो क्या मिलेगा हमें 2c इक्वल टू 5 माइनस 4 c इक्वल टू 1 बाई 2 मिल गया। चलो क्लियर c क्लियर हो गया डाल दो यहाँ पे तो a इक्वल टू हो गया माइनस 1 बाई 2 बस अब तीनों मिल गए रिप्लेस कर दो तीनों का वैल्यू यहाँ पे और इसका इंटीग्रेशन खुद अपने आप करो इसका इंटीग्रेशन यहाँ पे डाल दो वैल्यूज़ और अपने आप ट्राई करो लास्ट टाइम किया था वैसे ही होगा इसका आंसर मैं बोल दूँ फाइनल आंसर क्या होगा इसका इंटीग्रेशन आई इक्वल टू एक का डाल दे वैल्यू यहाँ पे सो माइनस हाफ वन अपॉन एक्स होगा मतलब लॉग मोड एक्स माइनस वन होगा बी का वैल्यू फोर तो प्लस फोर और ये ऊपर जाएगा तो इसका इंटीग्रेशन होगा एक्स माइनस वन रेस टू माइनस वन अपॉन माइनस वन वेरी इजी और ये सी का वैल्यू हाफ है वन अपॉन एक्स प्लस वन सो लॉग मोड एक्स प्लस वन प्लस सी हो गया तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा। अंडरस्टूड ये टाइप के सम्स बहुत इजी है टाइप सभी इजी है टाइप वन टू लास्ट टाइम देखा था वो ये थ्री फोर बस आपको थोड़ी प्रैक्टिस चाहिए बाकी इसके अंदर कुछ भी नहीं है क्लियर तो लिख लो एक बार और आप कौन से क्वेश्चन ऐसे कर सकते हो अभी क्वेश्चन नंबर 14 भी कर सकते हो आप 14 में सिर्फ होल स्क्वायर है बस बाकी सभी क्वेश्चन हमने कर दिए कोई क्वेश्चन बाकी रहा अभी क्वेश्चन नंबर 18 बाकी रहा वो बहुत लेंथी क्वेश्चन है 18 चलो 18 क्वेश्चन करते हैं पहले ये लिख लो क्वेश्चन नंबर 18 क्वेश्चन में देखो ऊपर की पावर और नीचे की पावर दोनों सेम है पावर ऑफ न्यूमरेटर इक्वल टू पावर ऑफ डिनोमिनेटर तो क्या कर लॉन्ग डिवीजन करते थे हम याद है पर इसके पहले आपको एक बार यहाँ पे देखो तो सिंपलीफाई करना पड़ेगा तो इसको ओपन करते ब्रैकेट को सिंपलीफाई करने के लिए तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस ये होगा यहाँ पे थ्री एक्स स्क्वायर और प्लस टू और नीचे भी वही होगा एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर फोर प्लस थ्री सेवन एक्स स्क्वायर और प्लस 12 तो ऊपर की पावर नीचे की पावर दोनों सेम होती है तो हम लॉन्ग डिवीजन करते हैं तभी आपको मैं सम इजी करने के लिए टेम्पररी हम रिप्लेस करते हैं टेम्पररी रिप्लेस करते हैं रिप्लेस एक्स स्क्वायर बाय टी और यहाँ पे इंटीग्रेशन का साइन मैं नहीं लेता इंटीग्रेशन भी नहीं करते हम चलो सिंपल फॉर्म इसको उठा लिया और हमने ये ले लिया तो रिप्लेसिंग एक्स स्क्वायर बाय टी तो क्या होगा देखो टी
स्क्वायर प्लस 3t प्लस 2, और नीचे यहाँ पे क्या होगा टी स्क्वायर प्लस 7t प्लस 12। आप लॉन्ग डिवीजन करो, अदरवाइज मैं आपको एक सिंपल टेक्निक सिखाता हूँ। अगर ऊपर नीचे दोनों की पावर सेम हो तो क्या करेंगे, नीचे वाला उठा के यहाँ सेट लिख दो पहले, ये लॉन्ग डिवीजन का शॉर्टकट है। नीचे वाला उठा के पहले लिख लो, ऊपर ऊपर लिख लो और नीचे जैसा है वैसे लिख दो, टी स्क्वायर प्लस 7t प्लस 12। अब मेरे पास यहाँ पे क्या है वो उसको सेट करो, यहाँ पे इक्वल, दोनों इक्वल होने चाहिए। टी स्क्वायर ऑलरेडी हाँ है, मुझे क्या चाहिए 3t, तो मैं क्या कर दूँगा माइनस 40, 70 माइनस 40 हो गया 3t। और मेरे पास यहाँ पे प्लस 2 है मेरे, और यहाँ पे मैंने क्या लिखा है प्लस 12, तो मैं कर दूँगा माइनस 10। देखो तो टी स्क्वायर ऑलरेडी है 70 माइनस 40 3t हो गया, और 2 को क्या हो गया, 2 का क्या हो गया रिप्लेसिंग 12 माइनस 10। बस तो अब इसको अलग कर दो सेपरेट, तो 1 माइनस 40 प्लस 10 डिवाइडिंग बाय टी स्क्वायर प्लस 70 प्लस 12 हो गया। मतलब मेरा जो रियल फॉर्म था वो क्या था, ये रहा, ये मतलब ये मतलब इन शॉर्ट टी प्लस 3 इंटू टी प्लस 4 था। तो अभी मैंने इसको पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, ये वाले फॉर्म को, क्लियर, ओके। पर अब ध्यान से समझो, यहाँ पे ये पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म में हो गया पर अभी ये सॉल्व नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाला फॉर्म है, तो हम इसको ही सॉल्व कर देंगे मेथड 2 से। ए अपॉन लीनियर, बी अपॉन लीनियर वाली मेथड थी, उसके हिसाब से ही सॉल्व करेंगे। सो क्या करेंगे अब, नाउ सॉल्विंग 40 प्लस 10 अपॉन टी प्लस 3 इंटू टी प्लस 4, सो विच इज इक्वल टू ए अपॉन टी प्लस 3 बी अपॉन टी प्लस 4, क्लियर। तो 40 प्लस 10 इक्वल टू क्या हो गया, ए इंटू टी प्लस 4 बी इंटू टी प्लस 3 हो गया। नाउ टेकिंग टी इक्वल टू, एक बार लेंगे माइनस 3, तो क्या होगा टी इक्वल टू माइनस 3 ले लो, तो माइनस 12 प्लस 10 ए इंटू 1 प्लस बी इंटू 0 हो गया। टी इक्वल टू माइनस 3 डाल दो यहाँ पे, तो ये 0 हो गया और ये माइनस 3 प्लस 4 1 हो गया। सो वैल्यू ऑफ ए हो गया माइनस 2, मुझे मिल गया माइनस 2। नाउ टेकिंग, बताओ क्या लेंगे आपको, अब क्या लेंगे बताओ। तो हमें b फाइंड करना है, तो यहाँ पे बना देंगे 0, टेकिंग t इक्वल टू माइनस 4, सो माइनस 16 प्लस 10, 4 फोर ज़ा माइनस 16 प्लस 10 माइनस 6 इक्वल टू a इंटू 0 हो गया, और b इंटू हो गया माइनस 1 माइनस 4 प्लस 3, सो b मिल गया मुझे 6। अंडरस्टूड, तो हमारा पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म हो गया 40 प्लस 10 का ये। अब ध्यान से समझो एकदम, तो ये फॉर्म इसके इक्वल टू क्या है ये, तो ये वाला फॉर्म जो है टी स्क्वायर प्लस 3t प्लस 12 अपॉन टी स्क्वायर प्लस 70 प्लस 12 इक्वल टू 1 माइनस ये था, और इसका हमने क्या निकाल दिया ये फॉर्म, तो हम ये रिप्लेस करेंगे 1 माइनस ए अपॉन टी प्लस 3 प्लस बी अपॉन टी प्लस 4। अंडरस्टूड, ओके। तो समझो फिर से एक बार, यहाँ पे मैं ब्रैकेट खोल दिए, ये 4 पावर है, ठीक है 2 पावर है, तो हम इसको सिंप्लीफाई करने के लिए सपोज करेंगे रिप्लेस करेंगे एक्स स्क्वायर को टी से, तो फॉर्म थोड़ा इजी हो जाए समझने में आपको। तो ऊपर नीचे दोनों की पावर सेम हो गई, ये लॉन्ग डिवीजन ही कर दिया मैंने यहाँ पे। लॉन्ग डिवीजन करने के बाद ये पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म में आता है, तो इसको हमने ए अपॉन और बी अपॉन कर दिया टाइप 2 से, और ये फॉर्म मिल गया मुझे। अब रिप्लेस कर दो ये वैल्यू पूरी यहाँ पे, तो इसके फैक्टर्स, इसका पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म मुझे मिल गया ये। अंडरस्टूड,
और ये तो क्या है, क्वेश्चन है, पर टी है और यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, तो रिप्लेस कर देंगे अब टी को एक्स स्क्वायर से नेक्स्ट स्टेप में। तो यहाँ तक लिख लो, इसके बाद आगे सॉल्व करते हैं। नाउ रिप्लेस टी बाय एक्स स्क्वायर। तो देखो टी को एक्स स्क्वायर से रिप्लेस कर दो तो क्या होगा हमारा, एक्स रेस टू 4 प्लस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 2 डिवाइडिंग बाय एक्स रेस टू 4 प्लस 7 एक्स स्क्वायर प्लस 12 इक्वल टू, सॉरी 1 है, 1 माइनस ए का वैल्यू माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3 और बी का वैल्यू 6 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4। ये तो हमारा क्वेश्चन है। सो इंटीग्रेशन आई इक्वल टू, इसका इंटीग्रेशन करेंगे मतलब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो 1 प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3 माइनस 6 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4 dx। अब इसका इंटीग्रेशन आप सबको पता है, ये फॉर्मूला होगी हमारी 7.4 वाली, 1 का इंटीग्रेशन x प्लस 2 इंटू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, सो 1 बाय ए टेन इनवर्स x बाय ए माइनस 6 इंटू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, 1 बाय ए टेन इनवर्स x बाय ए प्लस सी। सो फाइनल आंसर इज x प्लस 2 अपॉन रूट 3 टेन इनवर्स x बाय रूट 3 माइनस 3 टाइम्स टेन इनवर्स x बाय 2 प्लस सी। तो ये आ गया हमारा फाइनल आंसर, क्लियर, ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। ये सम का अप्रोच थोड़ा अलग है, बाकी सम तो और मेथड तो वही सेम, जो करते हैं वही करनी है हमें। ओके, राइट डाउन और डू ऑल दी सम्स 3 टाइम्स। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लेंगे 7.6 से शुरू करेंगे। तो अभी तक जितना भी किया हमने वो सभी सम्स 3-3 बार करो, और कोई डाउट है तो मुझे पूछो। बाय बाय।